Hello everyone, welcome back to my channel. I am Sushant Singh. In this particular video, we will solve CAT 2017 percentages, profit and loss question. So 2017 paper was very easy. If we compare from last 5 to 6 years, like from 2016 till 2020, you will find that 2017 paper was very easy. But paper easy होने के साथ like examiner did a very big things कि आप question अच्छे से read करते हो कि नहीं. So वो चीजें मैंने observe की like examiner play with the question. Although question was easy, but examiner play with the question like how accurately question you read. So उस चीजों को भी समझेंगे हम लोग question में कि कहाँ पे एग्जामिनर ने उस चीजों को सेट किया था. सो वी कैन टेक लर्निंग फ्रॉम दैट. सो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन. सो पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन, देन लुक द सॉल्यूशन. सो रीड करते हैं क्वेश्चन को. आउट ऑफ द शर्ट्स प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री 15% आर डिफेक्टिव व्हाइल 20% ऑफ रेस्ट आर सोल्ड इन अ डोमेस्टिक मार्केट. ओके, इफ the remaining 8840 shirts are left for export. Okay, cool. Then the number of shirts produced in the factory is, okay, total number of shirts produced in the factory nikalna hai, matlab total number of shirt kitna produce hua. So see guys, in this type of question or in these types of question, we will take tree approach. Means tree approach kya hota hai dekhenge abhi solution mein hi. सो ट्री अप्रोच इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग फॉलो करते हैं. वो बहुत इजी होता है और क्लियर होता है. सब देखो, लेट सपोज कि कंपनी ने 100x, अभी देखो 100x लेने का सेंस ये है कि सारे यहाँ पे 15% है, 15% है, 20% है यहाँ पे, ये सब. सो यहाँ 100 लेंगे ना, सो वैल्यू विल बी इजी होगा मुझे कैलकुलेट करने के लिए. सो सॉल्व करते हैं. सो लेट 100x कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया. नाउ 15% आर डिफेक्टिव. सो ये नॉन डिफेक्टिव हो गया और ये डिफेक्टिव हो गया. 15% डिफेक्टिव, सो 15% ऑफ 100 इट मींस 15x. वेरी सिंपल. सो हाउ मच लेफ्ट नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट. सो 100 माइनस 15x इज 85x. सो 85x इज नॉन डिफेक्टिव. Now, but next saying, while 20% of rest, मतलब 85% में 20% rest are sold in domestic market. अब देखो इसमें से like in 85x 20% domestic market और फिर left for export. So 20% of 85, so 85 10% is 8.5, so 20% is 17. Just multiply by 2, so 17x domestic market में sold हुआ. The rest is how much? So subtract 85, sorry 17 from 85. So how much? 8 725 or 6 68x. So 68x export हुआ. यहाँ पे हमने जो assume किया उसके according 68x आ रहा है, but question is saying like एक्सपोर्ट 8840 हुआ. 8840 शर्ट लेफ्ट फॉर एक्सपोर्ट, इट मींस दैट 68x ये हमने जो अज्यूम किया उसके अकॉर्डिंग है, बट क्वेश्चन इज हो रहा है कि 68x 8840 है. अब यहां से मैं हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, तो 8840 डिवाइडेड बाय 68, सो 47 और कोई 4 से डिवाइड होगा ये, सो 2210. ये 4 से यहाँ पे 4 1 और 2 7, सो ये 7 हो गया. 2 2 1 17 हो गया. सो 17 30 जा 2 2 1, 17 30 जा 2 2 1 होता है और ये 0 होता है. ये मैंने ऐसे कट आउट किया क्योंकि मुझे टेबल याद है, मतलब 17 13 ये सब मुझे टेबल याद है, सो डेट मैंने इसको कट आउट किया. सो ये 1 3 0 हो गया x का वैल्यू. अब बोला है कितना प्रोड्यूस हुआ, सो 100x निकालना है. सो 100
एक्स का वैल्यू 130 पुट कर लेंगे इनटू 130, तो 13000, सो ऑप्शन बी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग ट्री अप्रोच ऐसा आप यूज करेंगे, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसको वैसे फॉरवर्ड करते जाएंगे कितने परसेंटेज में, तो ये होता है ट्री अप्रोच। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, पॉज द वीडियो सॉल्व देन लुक फॉर सॉल्यूशन। रीड करते हैं सेकेंड वीडियो। द मैन्युफैक्चरर ऑफ अ टेबल सेल इट टू अ होलसेलर डीलर एट प्रॉफिट ऑफ 10%। द होलसेल डीलर सेल्स द टेबल टू अ रिटेल एट प्रॉफिट ऑफ 30%। ओके, होलसेलर डीलर रिटेल को सेल किया 30%, ठीक है। फाइनली द रिटेलर सेल इट टू अ कस्टमर, ओके, प्रॉफिट 50% का प्रॉफिट, ओके ठीक है। कस्टमर पे इट मीन्स कस्टमर पे 4290 फॉर द टेबल, ओके कूल। सो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ओके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वी हैव टू फाइंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सो इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वेरी सिंपल इज दैट लेट टेक एज्यूम सॉरी टेक वैल्यू ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सो वी विल एज्यूम 100x मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, 100x, 100x इज अ वेरी परसेंटेज में ना वेरी इजी वैल्यू होता है, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज टेक, मतलब 99% हम लोग ट्राई करते हैं कि 100x वैल्यू पे ही काम मेरा निपट जाए, बिकॉज कैलकुलेशन पार्ट इजी हो जाता है। अब क्या हो रहा है कि मैन्युफैक्चरर सेल कर रहा है होलसेलर को 10% प्रॉफिट में, इट मींस इसका 10% प्रॉफिट ले रहा है ये। सो हाउ मच मैन्युफैक्चरर सोल्ड इट फॉर, सो 110x। मैन्युफैक्चरर का एसपी 110 है, सो ये जो मैन्युफैक्चरर का एसपी है यही सीपी होगा इसका, होलसेलर का, होलसेलर का ये सीपी होगा, सो 110x। अब जो होलसेलर है, होलसेलर रिटेलर को सोल्ड कर रहा है 30% प्रॉफिट में, इट मींस जो ये होलसेलर का जो इस होलसेलर का जो एसपी होगा वो कितना होगा, 30% प्रॉफिट ले रहा है, इट मींस 30% ऑफ 110, 10% इज 11, मल्टीप्लाई बाई 3, 33, सो एंड 3, 4, 1, सो 153 सेलिंग प्राइस ऑफ होलसेलर, सो 153 विल बी कॉस्ट प्राइस ऑफ रिटेलर, 143, एंड रिटेलर फाइनली सेल टू कस्टमर फॉर 50% प्रॉफिट, इट मीन्स दैट कस्टमर सॉरी एसपी ऑफ रिटेलर, इतना चीजें मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, अदरवाइज डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, वो भी अब आपको मैं आगे बताऊंगा कैसे करेंगे। सो ये हो जाएगा 50%। अब 50% मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में बताया है 1/2, सो यहाँ पे प्रॉफिट है तो सो इंक्रीमेंट होगा तो 3/2 होगा, सो 143 इंटू 3/2, और ये हो गया एक्स, 143x इंटू 3/2, सो दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ रिटेलर, बट दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ कस्टमर, एंड क्वेश्चन इज सेइंग लाइक कस्टमर इज कस्टमर पे 4290 फॉर द टेबल, सो कस्टमर का सेल कस्टमर कितने में टेबल को बॉट किया, सो 143x इंटू 3/2 इक्वल टू 4290। अब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं, सो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यहाँ इंटू 2, ये 3 से कट आउट होगा क्या, सो 469, ओके कट हो जाएगा, मैंने यहाँ पे सम करके देखा 4 2 6 6 9, मतलब 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, सो इससे मैंने चेक किया तो ये कट जाएगा 14 3 जा 42 एंड 3 0 1 4 3 0, सो 1 4 3 1 4 3 इज 10, 2 10 20, सो एक्स का वैल्यू हो गया 20, सो एक्स का वैल्यू हो गया 20, एंड वी हैव टू फाइंड द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एंड वी अज्यूम द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 100x, सो 2000 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, 2000 मीन्स ऑप्शन बी। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब देखो इतना चीज नहीं लिखने के लिए ना, मतलब ये सभी चीजें वी हैव टू आई मीन हम लोग को लिखना नहीं है, लाइक जस्ट
100x, ओके 110x, ये हमने लिखा कि हाँ 10% इंक्रीमेंट किया, ओके okay. अब 30% पे इसको बेच रहा है, सो यहाँ पे हो जाएगा 143x। अब यहाँ पे 50% प्रॉफिट पे बेच रहा है, सो 3/2 इंटू 143x। अब ये हमने अज्यूम किया सो ये आया, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4290 है, सो इतना इक्वल टू 4290। सो ये चीज हमें करना है, ये मैंने आपको बेसिक से बताया, लेकिन करना हमको इतना इतना ही है, ये इतना चीजें नहीं करनी है। ओके सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन में कि एग्जामिनर ने कैसे वो चेक किया है कि आप कितना इफेक्टिव रीड करते हो किसी क्वेश्चन को। सो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, रीड करते हैं। मयंक बाइज सम कैंडीज फॉर 15 रुपीज अ दर्जन एंड इक्वल नंबर ऑफ डिफरेंट कैंडीज फॉर 12 रुपीज अ दर्जन डजन। ही सेल्स ऑल फॉर 16.50 अ डजन एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 150। हाउ मेनी डजन ऑफ कैंडी डिड ही बाय ऑल टूगेदर? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, अ सिंगल वर्ड कैन चेंज द आंसर। अगर ये ऑल टूगेदर अगर हम लोग मिस कर दिया रीड करने में, तो हम लोग क्या वैल्यू डाल देंगे वो हम देखेंगे, बताऊंगा मैं कि क्या वैल्यू हम लोग ऑप्शन मार देंगे। और फॉर्चुनेटली वो ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब आप रॉन्ग भी सेलेक्ट करो तो आपको लगेगा कि सही भी है, तो वो चीजें यहाँ पे वेरी इफेक्टिव हो जाता है कि आप कितना इफेक्टिव रीड करते हो। तो सॉल्व करते हैं इसको। सो लेट सपोज कि मयंक बाई एक से डर्जन कैंडी, सो ये कैंडी वन सब लेट कर लेते हैं, कैंडी वन है, एक्स डजन बाई किया और 15 रुपये इसका कॉस्ट है, 15 रुपये पर डजन। सो टोटल कॉस्ट हाउ मच? 15x। सो मयंक पे 15x फॉर एक्स डजन ऑफ कैंडी वन, देन बोल रहा है कि सेम अमाउंट इक्वल नंबर, मतलब सेम अमाउंट में कैंडी टू भी, डिफरेंट कैंडी मतलब कैंडी टू सेम अमाउंट में ले रहा है, सो ये भी एक्स लेकिन रेट इज डिफरेंट, सो 12। सो हाउ मच मयंक पे फॉर कैंडी टू? 12x। द कैंडी वन के लिए मयंक पे 15x, कैंडी टू 12x, सो टोटल हाउ मच मयंक पे? 27x फॉर बोथ द कैंडी, कैंडी वन एंड कैंडी टू। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग दैट लाइक ही सेल ऑल फॉर 16.5 अ डजन, ऑल मतलब ये भी एक्स और ये भी एक्स, ये 2x को, ये 2x को मतलब एक्स प्लस एक्स 2x डजन कैंडीज को वो 16 पॉइंट नहीं पे नहीं लिखेंगे, 2x को 16.5x, सॉरी 16.5 रुपीज में वो सोल्ड आउट कर रहा है। अब 2x 16.5 रुपीज, सो टोटल सेलिंग कितना का हो जाएगा? सो 16 2 32 और 133, सो 33x टोटल सेलिंग प्राइस हो गया, मीन्स मयंक गॉट 33x फॉर सेलिंग कैंडी वन एंड कैंडी टू एट द रेट ऑफ 16.5x। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग मेक अ प्रॉफिट ऑफ 150, सो प्रॉफिट इज हाउ मच? 6x सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सो 6x इज द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू आवर अजम्पशन, दिस इज प्रॉफिट इज 6x फॉर द कॉस्ट, फॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रॉफिट इज 150, सो 6x इक्वल टू 150, सो x इक्वल टू 25। अब देखो यहाँ पे कैच है, अगर मैंने हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करते तो ये एक्स इक्वल टू 25 डायरेक्ट मार्क करके सी आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे, अगर ये सपोज ये हमने रीड नहीं किया, ये हमने रीड नहीं किया, सो हाउ मेनी डजन कैंडी डज ही बाई, सो इतना हम लोगों का प्रेशर रहता है उस टाइम ना, हम लोग डायरेक्ट 25 मार्क करते आगे बढ़ते, बस यही यही चीजें, मतलब 2017 के क्वेश्चन में मैं बहुत क्वेश्चन में देखा तो एक सिंगल सिंगल वर्ड से प्ले कर रहा है कि आप कितना इफेक्टिव रीड कर पा रहे हो कि नहीं। सो यहाँ पे ऑल टुगेदर बोला है, मीन्स दैट कैंडी वन और कैंडी टू दोनों को लेकर,
कैंडी वन और कैंडी टू दोनों को लेगा, सो 2x हो जाएगा टोटल, वो 2x ले रहा है, सो 2x इज इक्वल टू 50, सो 50 इज द राइट आंसर ऑप्शन ए। सो आई होप आपको ये तीन क्वेश्चन क्लियर होंगे, बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। सो गाइज इफ यू आर लाइकिंग द वे आई एम मेकिंग अंडरस्टैंड टू यू, सो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो गिव अस फीडबैक लाइक वेयर आई कैन मेक इम्प्रूवमेंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप लर्निंग।